हेलो दोस्तों, स्वागत है भी आपका एक और नई ड्रैग रेस वीडियो में। आज हम एक ड्रैग रेस करवाने वाले हैं होंडा सिविक 1.8 1800 सीसी। ये 2008 मॉडल है, पेट्रोल मैनुअल, और ये अपनी नई वाली 2022 मॉडल फॉक्सवैगन वर्टस जीटी आप देख ही सकते हो। आज हम इनकी ड्रैग रेस करवाने वाले हैं। देखा जाए भाई, 2008-2022 पेट्रोल, और ये वाली जो गाड़ी है ना, ये कुछ 1,00,000 किलोमीटर चल चुकी है, और ये जो गाड़ी है ये अभी कुछ 2,250 किलोमीटर के आसपास कुछ चली है। तो देखा जाए किलोमीटर का कंडीशन में आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा गैप है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो ये 1500 सीसी पेट्रोल टर्बो डीएसजी मैनुअल जो है वर्टस में नहीं आता, स्लाविया में आता है, जो प्रोड्यूस करता है 148 bhp, उसी के साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसी तरफ इसकी बात करें तो ये जो है अपनी 1800 सीसी, ये 1.8 जो है आईवी टेक पेट्रोल मैनुअल, जो प्रोड्यूस करती है 130 bhp, उसी के साथ 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब इस गाड़ी में ना कुछ एक चीज अलग है, वो जो है हम इसके ओनर से भी जानेंगे। कैसे हो शुभम भाई, स्वागत है भाई आपका चैनल पे। थैंक यू। तो ये है भाई, इसमें एक सिलेंडर की पेटी, कितने किलो की है ये? ये इसका अगर कब वेट आप पूछना चाहो तो 60-70 किलो की होती है। वैसे 15 किलो का सिलेंडर है, 15 किलो जिसमें मतलब 14 किलो का, जिसमें 12 किलो तो नहीं आती, 10 किलो भी नहीं आती, 8 किलो के करीब आती है। मैं बता देता हूँ, मेरे को जो लग रहा है कि जैसे मैनुअल है ना, तो इनिशियल में इसका व्हील स्पिन बहुत है, और इसमें व्हील स्पिन नहीं है क्योंकि ये डीएसजी, तो इसको जो है ये सेकंड थर्ड गियर में शायद इसको पकड़ना शुरू करे नहीं करे, वो आपको आज वीडियो में पता चल जाएगा। अलग अलग राउंड करेंगे सभी के साथ में। शुरू करते हैं इसके फर्स्ट राउंड से, देखते हैं कौन जो है इस रेस की विनर रहती है। इस गाड़ी में जो है दो लोग बैठेंगे, स्टाइल भाई स्टाइल, फर्स्ट में एसी ऑफ, सब में एसी ऑफ रखोगे, और अच्छा उस पर सीएनजी पे चलाओगे पेट्रोल पे? पेट्रोल पे चलाओगे, ठीक है भाई। ट्रैक्शन तो इसमें कुछ आता नहीं है, इसमें व्हील स्पिन वो मेरी में नहीं आता, वही तो यार, तभी तो ये इतनी रिच गाड़ी है। चलो भाई, उसमें तो कुछ आता नहीं है, पर अपनी वाली में जो है सब कुछ आता है। तो भाई फर्स्ट राउंड जो है वो अब हम शुरू कर रहे हैं, उसका एसी जो है वो ऑफ रहेगा, इसका एसी ऑन रहेगा, पर ट्रैक्शन जो है वो ऑफ हो जाएगा। नॉर्मल डी पे चलाएंगे। तीन स्टार्टिंग में मेरे ने लैग मारा, वही वाला जो आपको पता ही है, पर अभी मेरा एसी भी ऑन था, ट्रैक्शन भी ऑफ था, नॉर्मल डी पे चला रहा था मैं, और 120 130 पे जो है क्रॉस कर दिया है, पूरी 400 मीटर यहाँ तक हो जाती है, 500 मीटर हो जाता है, 500 मीटर हो जाता है भाई यहाँ तक, तो आप देख ही सकते हो फर्स्ट राउंड की विनर यहाँ तक एंड तक जो है वो आती है, पर 130 पे जो है वो कवर करती है, जिसमें इसका इनिशियल का लैग भी कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। तो भाई अब जो है अपना सेकंड राउंड हो रहा है, सेकंड में जो है मैं एसी भी ऑफ कर दूंगा भाई, एसी जो है वो ऑफ हो जाएगा, ट्रैक्शन हमने ऑफ कर ही रखा है, डी पे ही चलाएंगे, देखते हैं अब क्या फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। अब की बार जल्दी पकड़ लेगी, देख लेना, अब की बार मेरी ने लैग ही नहीं मारा है। 110 115 पे भाई पूरी गाड़ी क्रॉस कर दी और गैप बनाती जा रही है, मुश्किल से 150 मीटर में छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही साथ होगा, जबकि इसमें अभी स्पोर्ट्स मोड नहीं था, ये स्पोर्ट्स मोड भी नहीं था। नहीं, एक काम भाई के लो जाएंगे, एसी ऑफ अपना, स्पोर्ट्स मोड में एसी ऑन ट्रैक्शन ऑफ। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ओके, तो जल्दी आओ ना फिर, अभी तो न्यूट्रल है, स्पोर्ट्स पे करूंगा, एसी ऑन ट्रैक्शन ऑफ, उसमें एक है और इसमें हम जो है तीन लोग हो गए हैं, फुल एडवांटेज दे दिए मैंने, कर दी है स्पोर्ट्स पे, लो S1 आ गया लिखा। ओ भाई, एक दो तीन स्टार्टिंग जाएगी भाई, अब की बार थोड़ा सा चल रहा है, स्लो है, मतलब वही है एडवांटेज मिलने, एडवांटेज का फायदा उठा रही है, 115 पे पिछली बार क्रॉस कर दिया था, 125 130, ना भाई जीत गई, जीत गई अब की बार तो।
कोई नहीं, वो 135-140 पे क्रॉस कर जाती। हाँ ट्रैक थोड़ा और लंबा होता तो 140 पे कर जाती, पर इसमें तो ये वाली जीत जाती है भाई। इस राउंड में वो विनर है, तो भाई अब की बार है ना मैंने इसका एसी ऑफ कर दिया है और मैं रखूंगा इसको चलो डी पे ही करूंगा यार, मेरे को पता नहीं है इस पे मजा नहीं आ रहा। लो भाई 120 130 135 140 पे क्रॉस कर दिया है, 140 पे क्रॉस कर दिया है। और मैं ना एक बार बीच में पेडल शिफ्टर लगाने लग गया था, स्पोर्ट्स पे लग गई थी, पर मेरे से कोई नहीं, तो हमारे चौथे राउंड विनर भाई। पर आप देख सकते हो मिक्स वो हो गया था। हाँ तो भाई एसी का फर्क पड़ गया, एसी का फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ गया। तो आपने देख लिया भाई, हमने ना 3-4 राउंड करके देख चुके हैं। अब हमने ना जब इसको एडवांटेज दी कि भाई हम इसमें 3 लोग बैठ रहे हैं और प्रॉपर एसी भी ऑन करके देख रहे हैं, तो थोड़ा लेट पकड़ रहे 140 पे। पर अगर हम जो है इसका एसी भी ऑफ कर देते हैं, डी पे करी थी पर वो मेरे से थोड़ा हाथ लग गया था, तो वो है उस पर हो गई थी, पैडल शिफ्टर पे हुई, फिर मैंने स्पोर्ट्स पे लगा दी थी, तो वो आप समझ सकते हो थोड़ा। तो तब जाके जो है 135 130 125 ऐसे कुछ जो है इसको पकड़ना इसने शुरू कर दिया था और पीछे कर दिया था। अब इससे मेरे को एक बात लगा कि एसी ऑफ करने का भाई बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है, मतलब ड्रैग रेस में एक परफॉर्मेंस जो है इसकी बड़ी है इतना वेट होने के बाद भी। हालांकि मैं अब भी कह रहा हूँ कि इसमें हमेशा जो है, अब ये भाई अकेला था फिर भी एक जना साथ में था ही, क्योंकि था इसमें सिलेंडर गैस वाला सीएनजी लग रखी है जैसे। तो यही थी भाई पूरी वीडियो, बाकी सभी भाइयों के चैनल का लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हमें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, हाँ, और लाइक करना है, शेयर करना है, सपोर्ट करना है, मजे करने है, देखना है, प्यार देना है, बस बस। और मेरे को तो करना ही करना है। मिलते हैं आपसे कैसी ही मस्त वीडियो के साथ, बाय बाय।